एक महात्मा, चार नव युवतियाँ एवं चार युवक। एक महात्मा जी घने जंगल में साधना एवं ध्यान में तल्लीन थे। साधना करते करते जब कुछ समय हो गया तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उनको चार सुंदर नव युवतियाँ खड़ी दिखाई दी। महात्मा जी ने उन चारों से पूछा, हे देवियों, आप चारों कौन हैं? कहाँ से आई हैं? यहाँ क्यों आई हैं? कहाँ रहती हो? क्या काम है? तथा इस घने जंगल में क्या कर रही हो? महात्मा जी की बातें सुन युवतियाँ मुस्कुराई और फिर एक-एक करके बोलने लगी तथा कहने लगी, महात्मा जी, हम तो वर्षों से आपके साथ ही रहते हैं। महात्मा जी बोले, मैंने तो तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा। कैसे कह रही हो कि यहाँ पर रहती हो? इस घने जंगल में मेरे अतिरिक्त कोई नहीं रहता है। नवयुवतियाँ कहने लगी, नहीं महात्मा जी, हम सब आपके साथ रहती हैं, पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। महात्मा जी बोले, चलो मान लिया कि तुम यहीं रहती हो। अब अपना परिचय दो, जिससे मैं यह जान सकूं कि तुम लोग मेरे साथ कैसे और कहाँ पर रहती हो। पहली युवती बोली, महात्मा जी, मेरा नाम बुद्धि है, मैं हर व्यक्ति के मस्तिष्क में रहती हूँ। दूसरी ने कहा, महात्मा जी, मेरा नाम लज्जा है, मैं आँखों में डेरा डालकर रहती हूँ। तीसरी बोली, महात्मा जी, मुझे दया कहते हैं, मैं आपके साथ आपके हृदय में निवास करती हूँ। चौथी ने कहा, महात्मा जी, मैं शक्ति नाम से जानी जाती हूँ तथा संपूर्ण शरीर में निवास करना मेरा काम है, अर्थात मैं आपके पूरे शरीर में फैली हुई हूँ। उन चारों नवयुवतियों की बात सुन महात्मा जी ने कहा, यह ठीक है कि तुम मेरे शरीर में निवास करती हो, परंतु मैं यह शरीर नहीं हूँ। ऐसा कहकर महात्मा जी अपनी साधना में चले गए। चारों युवतियाँ भी वहाँ से गायब हो गईं। कुछ समय पश्चात महात्मा जी ने पुनः आंखें खोली तो उन्हें इस बार चार नवयुवक खड़े मिले। महात्मा जी ने चारों से पूछा, भाई, आप लोग कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ क्या काम है? कहाँ से आए हो और कहाँ रहते हो? किस उद्देश्य से मेरे पास आए हो? मेरे पास आप लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इन प्रश्नों को सुन चारों बोले, महात्मा जी, आपको पता नहीं, हम तो वर्षों से आपके साथ रह रहे हैं। महात्मा जी आश्चर्य भरी निगाहों से बारी बारी चारों की तरफ देखने लगे। फिर एक नवयुवक बोला, महात्मा जी, मेरा नाम क्रोध है, मेरा निवास स्थान मस्तिष्क है। महात्मा जी ने कहा, मस्तिष्क में तो बुद्धि रहती है। नवयुवक फिर बोला, महात्मा जी, जब मेरा मस्तिष्क में पदार्पण हो जाता है तो मैं बुद्धि को हर लेता हूँ, अर्थात बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसी कारण व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। दूसरा नवयुवक अपना परिचय देता हुआ बोला, महात्मा जी, मेरा नाम काम है, मैं व्यक्ति की आंखों में रहता हूँ। महात्मा जी बोले, आंखों में तो लज्जा रहती है। नवयुवक बोला, लज्जा तभी तक रहती है जब तक मैं नहीं आता हूँ। मेरे आने पर शर्म अर्थात लज्जा गायब हो जाती है। मेरे आने से व्यक्ति को माँ, बहन, बेटी, पत्नी सभी की पहचान खत्म हो जाती है और वह अनर्थ कर बैठता है। तीसरे नवयुवक ने कहा, मैं लोभ हूँ तथा मैं आपके हृदय में रहता हूँ। यह सुनकर महात्मा जी ने कहा, हृदय में तो दया का निवास है, फिर तुम वहां कैसे समाओगे? नवयुवक बोला, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु अब जब मैं आ जाता हूँ तो दया डरकर भाग जाती है, उसकी हिम्मत मेरे सामने ठहरने की नहीं होती है। चौथा नवयुवक कहता है, महात्मा जी, मैं मोह के नाम से प्रसिद्ध हूँ, मेरा निवास स्थान संपूर्ण शरीर है। महात्मा जी ने
उत्तर में कहा, संपूर्ण शरीर में तो शक्ति रहती है, तुम वहां नहीं रह सकते हो। नवयुवक बोला, मेरे आने पर शरीर शक्तिहीन हो जाता है और मोह ही मोह का साम्राज्य पूरे शरीर में फैल जाता है। महात्मा जी ने कहा, तुम चारों बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। तुम सब मेरे शरीर में निवास करते हो, परंतु मैं यह शरीर नहीं हूं। मेरा अस्तित्व इन सबसे परे है। ऐसा कहकर महात्मा जी पुनः साधना लीन हो गए। सार यह है कि जब साधक गुरु के बताए अनुसार साधना मार्ग अपनाता है, तो कुछ समय पश्चात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात उसे परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उस साधक की यह अनुभूति होती है कि वह प्रभु का एक अंश मात्र है और कुछ नहीं, बाकी सब जड़ है। वह ब्रह्म में लीन हो प्रभु के दर्शन पाता है।